तो हाय गाइस, ये हमारे जो मूवी है, प्रोजेक्ट है, उस ट्यूटोरियल का ये सबसे लास्ट वीडियो है। हमने सब चीज़ इसमें वर्क फाइनली ठीक कर चुके हैं। सब चीज़ हमारा कोडिंग सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब इसमें हमें थोड़ा सा बस स्टाइल अप्लाई करना है, और थोड़ा बहुत जो लास्ट के जो हमारे बचे थे ना प्लॉटिंग, उसकी स्टोरी लाइन, ये सब थोड़ा बहुत एडिट करके डालना है। तो सक्सेसफुली हमारा जो सब भी वर्क कर चुके हैं। हमारा जो ऐप है फंटेस्टली वर्क कर रहा है कि नहीं? तो हमने सबसे पिछले लास्ट वीडियो में हमने ये सब पोस्टर और इसकी जो टाइटल और सब उनके जो मूवी के डिटेल्स है वो सब हमने यहाँ पे फीड किए थे। और इसके पहले हमने ब्राउज़र के कुछ स्टोरेज के बारे में पढ़े थे और कुछ जानकारी ली थी, कुछ एरर भी आए थे। ओके, तो सब हमने समझे कि एरर को कैसे बग्स कैसे फिक्स किया जाता है, एरर कैसे फिक्स किया जाता है, उसे कैसे वो समझा जाता है, सब के लिए अपन तैयार। अब जो है ओके, तो अब अपन जो लास्ट जो यहाँ पे अभी करने वाले हमें लास्ट टास्क ये है कि हम क्लिक करते हैं ओके। तो यहाँ मूवी डिटेल्स से यहाँ पे हमें ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ हमें नहीं बनी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक रो डिव क्लास रो, ठीक है? यहाँ पे एक और रो क्रिएट करते हैं, डिव ठीक है? क्लास रो एंड उसका बूटस्ट्रैप वेल, ठीक है? रो में वेल भी दिए। इसके अंदर क्या करेंगे हम, और सबसे पहले एक हेडर डाल देता हूँ मैं, H3 H3, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक डेटा वेरिएबल है, क्या है वो, डिटेल्स डॉट प्लॉट। देखेंगे आप, डिटेल्स डॉट प्लॉट हमारे जो इसमें मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक किधर गया, ये प्लॉट नाम का डेटा वेरिएबल है। इसके अंदर जो उस पिक्चर्स मूवी के जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब स्टोरी इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब क्या रहते हैं मूवी में, क्या है उस मूवी का जो भी तथ्य क्या है, वो सब यहाँ पे बताया गया। तो इसको अपन यूज़ करेंगे, प्लॉट उसका डेटा वेरिएबल का नाम है, वह प्लॉट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, ये तो बाद में आएगा ना, यहाँ पे एक हेडर फाइल में प्लॉट नाम देता हूँ, ठीक है? इसके नीचे जो होगा ये होगा कंट्रोल भी अपना डेटा, ठीक है? इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच देता हूँ। इसके नीचे हम एक दो बटन बनाएंगे, है कि नहीं? लिंक रहेगा इसको, बटन हो गया ये, ठीक है? यहाँ पे इसका क्लास दे देते हैं बटन का, तो btn यूज़ करूँगा मैं, btn प्राइमरी ओके। रिफरेंस इसका रहेगा क्या, रिफरेंस अपन वही API जिसमें इसके रिगार्डिंग IMDb की वेबसाइट खुलना चाहिए। तो IMDb की वेबसाइट जैसे अपन खोले थे यहाँ पे, ये मूवी इन्फो है, तो यहाँ पे IMDb में क्लिक करने पे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो IMDb की वेबसाइट खुलेगी। तो देखिए IMDb का आप यहाँ पे देखिए URL देंगे, ये URL देंगे तो IMDb.com, फिर टाइटल, फिर देखिए ये वही आईडी है जो हमने ये मतलब स्टोर किया ना की वैल्यू, वो ये वही आईडी है। तो हम क्या करेंगे कि सेम इज इट एज अ पूरा जो है URL कॉपी कर लेते हैं, मतलब कॉपी किया मतलब वही, मतलब IMDb वेबसाइट यहाँ पे लिख लेते हैं। बस यहाँ पे जो है ना ये जो आईडी है उसकी जगह ये आईडी ने डाल के अपन क्या करेंगे, अपना जो वेरिएबल था वो डाल देंगे, क्या नाम है, डॉलर, यहाँ पे
डिटेल्स क्या आईडी मिला था ना, क्या नाम है, मैं आईडी डालना है। तो आईडी कहाँ से मिलेगा, वही डिटेल्स की आईडी जो है, आप जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आईएमडीबी आईडी, ये हमको यहाँ पे आईडी भी मिल रही है, लेकिन यही आईडी लेके तो जा रहे थे, ये सर्च करें यहाँ पे, वही देखिए सेम TT1806913, यहाँ पे देखिए आईएमडीबी आईडी जो है वो भी सेम ऐसे ही रहता है कि। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डॉलर डिटेल्स डॉट IMDB आई डी, ठीक है, एक बटन क्रिएट हो गया, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं IMDB, ऐसे सेम Ctrl C Ctrl V। अब यहाँ पे एक होम बटन क्रिएट कर देता हूँ, बटन यहाँ पे का क्लास चेंज कर देता हूँ, है कि नहीं, बूटस्ट्रैप क्लास, और इसका हाइपरलिंक मैं क्या दे देता हूँ, जो हमारा होम पेज का हाइपरलिंक है वो, है कि नहीं, क्या है होम पेज का हाइपरलिंक, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ होम, ठीक टारगेट ऐसा ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट ऐसा गुड कोडिंग के लिए जरूरी है थोड़ा बहुत, ठीक है, सब चीज़ अपन रेडी हो गया, बस इतना ही करना था। ओके, कंट्रोल सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखिए हमारा ये आईडी दिख रहा है, ठीक है, ये आ गया प्लॉट, यहाँ पे इसकी स्टोरी लाइन विद द वर्ल्ड नाउ एवर ऑफ आइडेंटिटी और आयरन मैन, के नीचे आई एम डी को, आई एम डी वेबसाइट खोलेंगे, आई एम डी की वेबसाइट खोल गई, ठीक है, इसमें देखिए वही जो है आई डी के साथ, आप होम बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस अपने इंडेक्स फाइल में आ जाएगा, होम पेज है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बात रहे स्टाइल की, तो आप स्टाइल कर सकते हो अपना सी एस ए, जो अपना कस्टम स्टाइल क्रिएट करके उसमें कुछ स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको कुछ सी एस ए स्टाइलिंग करके यहाँ पर दे देता हूँ, मैं इसके बारे में उतना नहीं बताऊँगा, बस इतना ही जरूरी था। ओके, बाकी हमारा जो मेन पर्पस था यही था कि आप जावा स्क्रिप्ट में अपने प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करते हैं, जो हमने कर चुके हैं, हमने जो इसे कर चुके हैं, सबसे पहले इंडेक्स टू पेज था, उसके बाद स्क्रिप्ट पेज हमने किस तरह से किया था वो। ओके, अब जैसे हमारा ये मेन पेज है, इसमें मैंने कुछ स्टाइल की थी, है कि नहीं, तो भी स्टाइल आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, तो मैं उसकी कोडिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे, उसकी कोडिंग कैसे था, कुछ एक्स्ट्रा आप भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सी एस एस के अंदर जाके एक कस्टम सी एस एस क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे जाना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसके बाद स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आप इसे रेफरेंस दे दीजिए, एचडीएफ में दे दीजिए सीएसएस डॉट स्टाइल, ठीक है, वैसे ही से मू एचटीएमएल में भी दे दीजिए, कंट्रोल सी करके मू डिटेल्स, अपन दूसरा पेज बनाया था ना एक, उसमें भी यहाँ पे सबसे ऊपर स्टाइल दे दीजिए, अपने कस्टमर स्टाइल में जाते हैं, कहाँ था ये था, मैं इसे
फिर से अपने कि हमने ये स्टाइल यूज़ किया था कस्टम स्टाइल में, समझा देता हूँ। बॉडी बॉडी जैसे कि बैकग्राउंड इसका यूज़ करेगा, जैसे कि आप बैकग्राउंड देखेंगे। कंट्रोल सेव कर देता हूँ मैं इधर, कंट्रोल सेव कर देता हूँ। जैसे हमारे जो करल है, देखिए है कि नहीं, इसका जो बैकग्राउंड ये कलर दिख रहा है आपको, वो है बैकग्राउंड हमारा, ये हो गया। तो उसके बाद आ जाते हैं तो ओके, तो बैकग्राउंड ये है। और मूवी की इमेज, मूवीज की इमेज जो भी है। खुदा हाफिज़।